कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो पौधे लगा रही होती है, और वहीं उसका पति हैंजो और उसका बेटा कीमुन पौधों में डालने के लिए पानी ला रहे होते हैं। तभी उस औरत की छोटी बेटी रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसका बेटा उसे संभालने के लिए उसके पास चला जाता है। इसके बाद हैंजो की पत्नी उससे कहती है कि उसे थोड़ा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हैंजो वहाँ से पानी लाने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी छोटी बेटी और ज़ोर से रोने लगती है, तो वो औरत भी उसके पास चली जाती है। पर वो देखती है कि वहाँ अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई है, और उसे लगता है कि ठंड की वजह से ही उसकी बेटी रो रही है। तभी वहाँ पे आउटर वर्ल्ड का बिहान नाम का एक योद्धा आता है, जो हैंजो के घर पर हमला कर देता है। ये देखकर हैंजो की पत्नी अपनी छोटी बेटी को वहाँ पे छुपा देती है, और जैसे ही अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। बिहान के पास अद्भुत शक्तियाँ होती है। वो जहाँ भी जाता था वहाँ का तापमान कम होने लगता था, और उस जगह पे बर्फ जमने लगती थी। उसके बाद बिहान उन दोनों से हैंजो के बारे में पूछता है, पर वो दोनों उसे कुछ नहीं बताते हैं, और इसीलिए वो गुस्से में आकर उन दोनों को मार देता है, जिनकी चीख सुनकर हैंजो घर की ओर भागता है। और जब हैंजो अपने घर पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा मर चुका है, जिन्हें देखकर वो बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पे बिहान के और सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें बहुत बुरी मौत मारता है। इसके बाद हैंजो बिहान की तलाश में निकल जाता है, और रास्ते में ही बिहान उसे मिल जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पे जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन बिहान हैंजो पे भारी पड़ रहा था, और अंत में वो उसे मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हैंजो की छोटी बेटी रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर हैंजो उठ जाता है और अपने घर की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी खून बह जाने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। तभी वहाँ पे पृथ्वी रेल्म के देवता लॉर्ड रेडन आ जाते हैं, जो हैंजो का हथियार और उसकी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कहानी में बताया जाता है कि यदि मॉर्टल कॉम्बैट में पृथ्वी के योद्धा आउटर वर्ल्ड के खूंखार योद्धा से हार जाते हैं, तो फिर पृथ्वी का विनाश निश्चित है। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हैंजो के वंश का खून पृथ्वी के सभी योद्धा को एकत्रित करेगा और इस पृथ्वी को बचाएगा। उसके बाद हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर कोल यंग को देखते हैं, जो एक स्ट्रीट फाइटर होता है, जिसका कोच उसे बता रहा होता है कि उसका अगला फाइट रमी रेज से है, क्योंकि रमी एक एक्सपीरियंस फाइटर होता है और कोल टेक्निकली कमज़ोर होता है। उसका कोच उससे पूछता है कि उसका कॉर्नर मैन कौन है जो उसे लीड करेगा, तो कोल अपनी बेटी की ओर इशारा करता है। ये देखकर कोच उससे कहता है कि पागल हो गया हो क्या, उसे इस फाइट के बारे में क्या ही पता होगा। लेकिन फिर भी कोल अपनी बेटी को ही कॉर्नर मैन बनाकर लड़ने लगता है। तभी वहाँ जैक्स नाम का एक आदमी आता है, जो कोल का फाइट देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि कोल शुरुआत में बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन अंत में अपनी कुछ गलतियों के कारण वो इस फाइट को हार जाता है। उसके बाद हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे सिंग सुन सब जीरो से कहता है कि लगता है हम 10वीं मुकाबला हार जाएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि हैंजो अभी भी जिंदा है। तो सब जीरो उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद हैंजो को अपने हाथों से मारा है। दरअसल विहान ही सब जीरो होता है, जिसने हैंजो को मारा था। इधर मैच खत्म होने के बाद कोल जब फ्रेश हो रहा होता है, तो उसे अचानक किसी की परछाई दिखाई देती है, और थोड़ी देर में ही वो गायब हो जाती है, जिसे देखकर कोल हैरान हो जाता है। उसके बाद कोल अपनी बेटी के पास जाता है, तो वहाँ जैक्स भी आ जाता है, जो कोल की प्रशंसा करता है और कहता है कि आज तुम बहुत बढ़िया लड़े। उसके बाद जैक्स कोल से उसके ड्रैगन टैटू के बारे में पूछता है, तो उसकी बेटी उससे कहती है कि ये ड्रैगन का निशान जन्म से इसके पास है। इसके बाद कोल अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उन दोनों का एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रेस्टोरेंट में होता है, और वहीं जैक्स किसी के कहने पर कोल पर नज़र रख रहा होता है। जब कोल और उसकी पत्नी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने जाते हैं, तो कोल देखता है कि वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगी है, और ये वो अपनी पत्नी को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे अचानक से सभी वस्तुएं फ्रीज होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे सब जीरो आ गया था, जिसके आने से ही बर्फ़ गिर रही थी, और देखते ही देखते सब जीरो वहाँ बर्फ़ के गोले बरसाने लगता है। तो कोल तुरंत अपनी बेटी और पत्नी को लेकर टेबल के नीचे छुप जाता है, और वहीं जैक्स ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर कोल के पास आता है, और उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। कोल जैक्स से पूछता है कि ये क्या बला थी, तो जैक्स कोल को अपना ड्रैगन का निशान दिखाते हुए बताता है
कि ये जो कुछ भी था उसके ड्रैगन के निशान के कारण ही उसके पीछे पड़ा है और ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि उसे चुना गया है। तो कोल जैक से पूछता है कि किस लिए चुना गया है। जैक्स उसे बताता है कि किसी फाइट के लिए उसे चुना गया है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे सब जीरो आ जाता है, जिसे देखकर कोल उससे कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाओ। उसके बाद कोल अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है और जैक्स अकेले ही सब जीरो से मुकाबला करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही जैक्स सब जीरो पर गोली चलाता है तो सब जीरो उसके गन को फ्रीज कर देता है और उसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन सब जीरो अपनी बर्फ की शक्ति से जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके उखाड़ देता है और उसे वहीं नीचे फेंक देता है। और इधर कोल अपनी बेटी को सुलाकर अपनी पत्नी को समझाता है कि उसे जाना होगा, क्योंकि जैक्स ने बताया था कि ये ड्रैगन का निशान जिन पे भी है वो उन्हें मारना चाहते हैं और यदि वो यहाँ रहा तो उन दोनों के लिए भी खतरा हो सकता है। उसके बाद वो सोनिया ब्लेड से मिलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जैक्स उस वक्त सोनिया से ही बातें कर रहा था, इसीलिए कोल को लगता है कि सोनिया को इसके बारे में कुछ पता होगा। उसके बाद हम आउटर वर्ल्ड में सेंग सुन को देखते हैं, जिसे उसकी एक योद्धा मिलीना उसे बताती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को मार दिया है, पर एक योद्धा अभी भी भागने में सफल रहा है। तो सेंग उससे कहता है कि हमारे योद्धा से कहो कि वो दुगनी प्रयास करे। मिलीना उससे कहती है कि अगर लॉर्ड रेडिन को ये बात पता चली कि हमने देवताओं द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं किया है तो फिर बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सेंग उससे कहता है कि ये सब उसके ऊपर छोड़ दो, उसने ऐसे ही 9 प्रतियोगिताएं नियम का पालन करके नहीं जीती है। इसके बाद हम कोल को देखते हैं जो जैक्स के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी अचानक से उस पर एक लड़की हमला कर देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो कोल कहता है कि उसे जैक्स ने भेजा है और वो सोनिया ब्लेड को ढूंढ रहा है। तो वो लड़की कोल के ड्रैगन का निशान देखकर उसे बताती है कि वही सोनिया है। उसके बाद सोनिया कोल को अपने घर में लेके जाती है, जहाँ कोल देखता है कि जैक्स और सोनिया एक साथ आर्मी में काम कर चुके हैं। उसके बाद सोनिया कोल को अपने सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहाँ पे वो मॉर्टल कॉम्बैट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन रखी होती है। सोनिया उसे बताती है कि एक बार जैक्स और वो एक केस के सिलसिले में ब्राज़ील गए थे, जहाँ पे उसे एक ऐसा क्रिमिनल मिलता है जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ होती है और उसके पास भी उसके जैसा ही ड्रैगन का निशान होता है, जिसे जैक्स मार देता है। पर उसके मरने के बाद वो निशान जैक्स की बॉडी पर आ जाती है, जिसके बारे में कई साल तक रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि इतिहास में कई प्रजातियों ने एक प्रतियोगिता का जिक्र किया है और ये ड्रैगन का निशान ये बताता है कि तुम्हें पृथ्वी की ओर से लड़ना होगा और उस प्रतियोगिता का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। ये सब सुनने के बाद कोल को लगता है कि सोनिया उसे कोई कहानी सुना रही है। तो सोनिया उसे बताती है कि यह प्रतियोगिता जल्दी होने वाली है और इसीलिए उसे जल्द से जल्द सभी योद्धाओं को ढूंढना होगा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। तभी कोल को वो परछाई एक बार फिर से नज़र आती है और उसके अंदर किसी के होने का एहसास होता है। और जब कोल वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे केनो नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसके बारे में सोनिया उसे बताती है कि केनो ब्लैक ड्रैगन नाम के एक स्मगलिंग गैंग का लीडर है। तभी वहाँ रेप्टाइलियन साइजोथ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। जब साइजोथ केनो पर हमला करता है तो सोनिया चाकू से उस पर वार करती है, जिससे एक चाकू केनो को लग जाती है। साइजोथ के पास ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से पिघला सकता था और वो जिस पर चढ़ा होता है वो पिघलने लगता है, जिसकी मदद से केनो अपने आप को जंजीर से छुड़ा लेता है और बड़े ही चालाकी से साइजोथ की बॉडी पर फ्लेयर बम लगा देता है, जिसकी मदद से वो आसानी से सबको दिखने लगता है। तो सोनिया कोल की मदद से साइजोथ के गले में चाकू मार देती है और वहीं केनो मौके का फ़ायदा उठाकर साइजोथ का हार्ट निकालकर उसे मार देता है। उसके बाद केनो सोनिया से कहता है कि तुम रेडन टेम्पल जाना चाहती थी ना, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। पर सोनिया कहती है कि कोई नहीं जानता कि रेडन टेम्पल कहाँ पे है। पर केनो उससे कहता है कि उसने वहाँ पे स्मगलिंग की है और उसे उसके बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है। और जब सोनिया केनो से वहाँ का एड्रेस मांगती है तो वो उसे देने से मना कर देता है, पर सोनिया उसे $3 मिलियन देने का ऑफर करती है और फाइनली केनो से एड्रेस देने के लिए मान जाता है। और उसके बाद केनो अपने दोस्त के जेट की मदद से कोल और सोनिया को लेकर रेडन टेम्पल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें पृथ्वी का एक योद्धा लियू किंग मिलता है, जो साउलिन ऑर्डर ऑफ लाइट से आया होता है, और वो उन्हें रेडन टेम्पल तक ले जाता है। रेडन टेम्पल को देखकर सोनिया बहुत खुश होती है और लियू किंग उन्हें गुफाओं से होते हुए उस टेम्पल तक ले जाता है, जहाँ के चित्र देखकर सोनिया बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को अपने सामने देख रही थी। इसके बाद लियू किंग उनसे कहता है कि इससे पहले कि आउटर वर्ल्ड के हमारे दुश्मन यहाँ पे आ जाएं, हमें ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि निशान वाले योद्धा बहुत कम बचे हैं।
और इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सोनिया वहाँ जैक्स को देखती है जिसकी हालत देखकर वो घबरा जाती है। तो लियु किंग सोनिया को बताता है कि सब जीरो ने उसके हाथों को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन यहाँ वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद लियु किंग उन्हें पृथ्वी के देवता लॉर्ड रेडन से मिलवाता है और लियु किंग लॉर्ड रेडन को बताता है कि उसने पृथ्वी के सारे योद्धाओं को एकत्रित कर लिया है। पर जब लॉर्ड रेडन योद्धाओं को देखते हैं तो वो बहुत नाखुश होते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी योद्धा काबिल नहीं होता है। तो लॉर्ड रेडन उन्हें बताता है कि बहुत जल्दी सेंग सुन उन पर हमला करने वाला है। यदि उसने ये 10वीं प्रतियोगिता भी जीत लिया तो पूरे पृथ्वी पर उसका राज होगा और वो अपना सब कुछ खो देंगे। उसके बाद हम लियु किंग को देखते हैं जो वहाँ पे ध्यान लगा रहा होता है। तभी वहाँ सब जीरो आ जाता है तो लियु किंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर सब जीरो उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पे लियु किंग का भाई कुंग लाओ आ जाता है जो उसे बचा लेता है। पर तभी वहाँ पे सेंग सुन अपने योद्धाओं के साथ आ जाता है जो अपने योद्धाओं से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो क्योंकि वो तो इनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाएगा। तभी वहाँ पे लॉर्ड रेडन आ जाते हैं पर तभी सेंग सुन अपने योद्धाओं को उन्हें मारने का आदेश देता है। पर तभी लॉर्ड रेडन वहाँ एक सुरक्षा कवच लगा देते हैं जिससे सेंग सुन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद लियु किंग उनसे कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और वो उन्हें लेकर अखाड़े की ओर जाने लगता है जहाँ पे कुंगला उन्हें बताता है कि तुम्हारी अंदरूनी शक्तियों को तुम्हें पहचानना होगा जो तुम्हें उस ड्रैगन के निशान के कारण मिले हैं और उन शक्तियों के बिना आउटरवर्ल्ड को हराना नामुमकिन होगा। और जब वो तीनों अखाड़े में जाने लगते हैं तो कुंगला सोनिया को रोक देता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन का निशान नहीं होता है। सोनिया वहाँ से जाकर जैक्स के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पे जैक्स को होश भी आ जाता है और इधर कोल अपने अंदरूनी शक्ति को पाने के लिए जाने लगता है लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता है। और उसके बाद केनो की बारी आती है लेकिन उसे भी उसका कोई एहसास नहीं होता। उसके बाद हम लियु किंग को देखते हैं जो कोल के जख्मों का इलाज कर रहा होता है और उसे अपनी अंदरूनी शक्ति के पाने की कहानी बताता है जिसकी बातें सुनने के बाद कोल को थोड़ा जोश आता है और एक बार फिर से वो कोशिश करता है लेकिन उसे इस बार भी कोई सफलता नहीं मिलती। और इधर सोनिया अपने कैप्टन जैक्स को प्रतियोगिता के लिए उत्साहित कर रही होती है। और उसके बाद सभी लोग खाने पर जाते हैं जहाँ केनो का सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो केनो को बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का होने का एहसास होता है। उसकी आंखों से एक लेजर बीम निकलती थी जिसे पाकर केनो बहुत खुश होता है। और उसके बाद हम कोल को देखते हैं जो एक बार फिर से अपने अंदरूनी शक्ति को पाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नाकाम ही रहता है। वो निराश होकर बैठ जाता है और अपनी फैमिली की तस्वीर देखने लगता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड रेडन आ जाते हैं जो कोल से कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स को पाने में असफल रहे हो। तो कोल उससे पूछता है कि उसके पास ये ड्रैगन का निशान कैसे आया। तो लॉर्ड रेडन कोल को बताते हैं कि ये निशान तुम्हें अपने पूर्वजों से मिली है। तुम इस धरती के सबसे महान योद्धा हैंजो के वंशज हो। मरने के बाद हैंजो नर्क के सबसे आखिरी छोर पर जाकर बदले की आग में जलता रहा और हैंजो के मरने के बाद वो उसकी छोटी बेटी को लेकर एक ऐसे जगह पे गया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। और ये ड्रैगन का निशान तुम्हारे पूर्वजों से होते हुए तुम्हें मिला है और इसीलिए उन्होंने सोचा था कि तुम्हारे पास भी वो पावर्स होंगी, पर वो गलत थे। उसके बाद लॉर्ड रेडन कोल को उसके फैमिली के पास जाने के लिए कहते हैं। तो सोनिया कोल से कहती है कि अभी हार मत मानो, लेकिन कोल नहीं मानता और अपने घर वापस चला जाता है जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद हम आउटवर्ल्ड में सेंग सुन को देखते हैं जो अपने योद्धाओं को एकत्रित करके उनसे कहता है कि हमें अभी वार शुरू करना होगा, लेकिन लॉर्ड रेडन ने अपने मंदिर पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया है जिसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं जा सकते। तो उसका एक योद्धा कबाल उससे कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ सोंगकून वंशज का एक योद्धा गोरो आता है जिसे सेंग सुन कोल को मारने के लिए उसके पास भेजता है। उसके बाद हम केनो को देखते हैं जो सुरक्षा कवच के पास होता है। तभी वहाँ कबाल आ जाता है और वो केनो को उकसाता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के लीडर की हालत तो देखो, जो पहले खुद ऑर्डर देता था अब वो दूसरों का ऑर्डर मानने लगा है। उसके बाद कबाल उसे पैसे का ऑफर देता है जिसकी वजह से केनो उसकी बातों में आ जाता है और कबाल से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तो कबाल उससे कहता है कि सुरक्षा कवच की छड़ी को तोड़ दो। उसके बाद हम कोलो को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी उसके फार्म हाउस से एक आवाज़ आती है तो कोल उस फार्म हाउस की ओर जाने लगता है और इधर केनो उस सुरक्षा कवच की छड़ी को तोड़ देता है जिसकी मदद से सेंग सुन अपने योद्धाओं के साथ उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है। और उधर जब कोल अपने फार्म हाउस पर जाता है
तो वहां गोरो आ जाता है जो कोल पर हमला कर देता है, और इधर सेंगसुन पृथ्वी के योद्धाओं पर हमला कर देता है। और जब कुंगलाओ सेंगसुन पर वार करता है तो सेंगसुन अपनी परी निटारा को बुलाता है जो कुंगलाओ को परेशान करती है। तो कुंगलाओ ध्यान लगाकर निटारा को पकड़ लेता है और उसे अपने कैप की मदद से मार देता है। उसके बाद हम कोल को देखते हैं जिसे गोरो मारने ही वाला होता है कि तभी कोल की पत्नी उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है जिसकी वजह से कोल की जान बच जाती है। तो गोरो गुस्से में आकर उसकी पत्नी और बेटी पर हमला करने जाता है जिसकी वजह से कोल को बहुत गुस्सा आता है। तभी कोल को उसकी सुपर पावर्स के होने का एहसास होता है और जैसे ही गोरो कोल की पत्नी को मारने वाला होता है कोल उसे बचा लेता है और कोल गोरो को मार देता है। उसके बाद हम जैक्स को देखते हैं जिसका हाथ एक चट्टान के नीचे फंस गया होता है जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टान बड़ा होने के कारण उसका हाथ नहीं निकलता है। और अगले ही पल देखते हैं कि जैक्स को भी उसकी सुपर पावर्स मिल गई होती है और जैक्स उस चट्टान को उठाकर दूर फेंक देता है जिसे देखकर सोनिया बहुत खुश होती है। और उसके बाद वहाँ पे लॉर्ड रेडेन आ जाते हैं जो कोल को भी वहाँ ले आते हैं, जिसे देखकर सेंगसुन हैरान हो जाता है क्योंकि हैंजो का वंशज जब भी जिंदा होता है। और जैसे ही लॉर्ड रेडेन जैक्स सोनिया और कोल को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तभी सब जीरो कोल को रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। तो कुंगलाओ कोल की मदद करने की कोशिश करता है, इस पर सेंगसुन कुंगलाओ को पकड़कर उसकी आत्मा को निगल जाता है, जिसकी चीख सुनकर उसका भाई लियो किंग आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन कोल उसे रोक लेता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा हो सकता था। तभी उन दोनों को लॉर्ड रेडेन अपने पास बुला लेते हैं, जिसके पास जाने के बाद लियो किंग लॉर्ड रेडेन से कहता है कि हम कुंगलाओ के बिना पृथ्वी को खो देंगे। तो जैक्स लॉर्ड रेडेन से पूछता है कि आपने उसे बचाया क्यों नहीं। तो लॉर्ड रेडेन उन्हें बताते हैं कि दोनों पक्षों में से किसी एक को बचाना सही नहीं है और उसका काम पृथ्वी को बचाना है, लेकिन वो हर बार एक को बचा नहीं सकता। उसके बाद लॉर्ड रेडेन कोल को उसके पूर्वज हैंजो का खंजर देते हुए बताते हैं कि यदि तुम इससे लड़ोगे तो उनकी आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। उसके बाद कोल एक प्लान बनाता है जिसमें आउटवर्ल्ड के योद्धाओं को वो लोग एक एक करके चुनेंगे और लॉर्ड रेडेन की मदद से उन्हें अपने मनचाहे स्थान पर ले जाकर उनसे लड़ेंगे, जिसमें जैक्स रैक को, सोनिया केनो को, लियो किंग और कोल निटारा और कबाला को चुनते हैं। उसके बाद जैक्स कहता है कि सब जीरो का क्या होगा। तो कोल जैक्स से कहता है कि हम सब जीरो से सबसे आखिरी में लड़ेंगे, और वो लोग अपने चुने योद्धाओं से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले जैक्स रैक को मारता है, उसके बाद सोनिया केनो को मार देती है जिसकी वजह से केनो का ड्रैगन का निशान सोनिया की बॉडी पर आ जाता है और उसे उसकी सुपर पावर्स भी मिल जाती है। उसके बाद लियो किंग कबाल को मार देता है, और जब कोल मिलीना को मारने जाता है तो मिलीना उसका खंजर पकड़ लेती है। तभी वहां पर सोनिया आ जाती है और मिलीना को मार देती है। उसके बाद हम कोल की फैमिली को देखते हैं जो उस घर से जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहां पर सब जीरो आ जाता है। उसके बाद सब जीरो कोल के पास जाता है और उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है, जिसे देखकर कोल घबरा जाता है और वो सब जीरो के पीछे भागते हुए जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों को ही सब जीरो ने फ्रीज कर दिया होता है। तभी वहाँ पर सब जीरो आ जाता है और कोल को मारने लगता है। तो कोल हैंजो की खंजर का इस्तेमाल करता है, पर सब जीरो उससे वो खंजर छीनकर जैसे ही उसे मारने जाता है तभी वहाँ पर हैंजो आ जाता है जो कोल को बचा लेता है। उसके बाद सब जीरो और हैंजो के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ हैंजो सब जीरो को बहुत मारता है और वही कोल अपनी पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश करता है। तो हैंजो की नज़र कोल की फैमिली पर जाती है तो उसे भी अपनी फैमिली की याद आने लगती है, जिसके बाद कोल और हैंजो मिलकर सब जीरो का सामना करते हैं। पर सब जीरो मौका देखकर हैंजो को फ्रीज कर देता है और कोल पर हमला कर देता है, पर कोल सब जीरो को अपने खंजर से घायल कर देता है। और उसके बाद हैंजो अपने जादू की मदद से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और कोल की फैमिली को भी जिंदा कर देता है। और उसके बाद कोल और हैंजो मिलकर सब जीरो का सामना करके उसे घायल कर देते हैं, और उसके बाद कोल अपनी फैमिली को निकालने लगता है, और वहीं हैंजो अपनी आग से सब जीरो को जलाकर मार देता है। और जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो वहां लॉर्ड रेडेन योद्धाओं के साथ आ जाते हैं, और तभी वहां उनके पीछे सेंगसुन भी आ जाता है जो लॉर्ड रेडेन से कहता है कि इस बार तो उसने उसके योद्धाओं को मार दिया, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो योद्धाओं की पूरी फौज लेकर आएगा। तो लॉर्ड रेडेन सेंगसुन को फौरन आउटवर्ल्ड जाने को कहते हैं, पर सेंगसुन उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड रेडेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके सेंगसुन को आउटर वर्ल्ड में भेज देते हैं। और इसके बाद वो अपने योद्धाओं को बताते हैं कि हमने भले ही ये मुकाबला जीत लिया है, लेकिन हमें और भी ऐसे लोगों का सामना करना है, इसीलिए वो और भी ऐसे योद्धाओं का चयन करेंगे।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।